पहले मैं और एमएलए साहब को आके देख के गए थे, 1.97 लाख का एक काम भी शुरू हो गया, लेकिन उसको टेंडर 10 बार हुआ, टेंडर लोग नहीं आए, अभी टेंडर आ गया, इसको काम आ रहा है, शुरू हो गए हैं, ऐसा काम है, बहुत उसका काम है सिटी में। अभी 82% पिछले साल से कंपेयर करके तो पिछले साल से 60% काम डिस्टिलिंग पूरा हुआ था, इसी साल में 82% काम पूरा डिस्टिलिंग हो गए हैं, और अभी 18% बाकी है, वो भी एक हफ्ते में हो जाएगा। इधर भी ఇక్కడ చుట్టూ మేము తిరిగి వచ్చాము ఎమ్మెల్యే గారు, మేము కొన్ని దగ్గరలో ఇప్పుడు జోరాబాయి దర్గా దగ్గర 9 ప్రాపర్టీస్కి అక్వైర్ చేశాము, మనకు ల్యాండ్ ఎలక్షన్ టైంలో ఉస్కో హటానా సక్తి ఎలక్షన్స్ కా లా హై కి తోడనా భీ కోర్ట్ కో నహీ కర్ హై ఇస్కో తో ఓట్ కో నుక్సాన్ హో జాయేగా ఇసిలే కర్నా హీ పాయే అభీ ఉస్కో శురూ కరేంగే ఔర్ ఇసికే సాథ్ ఏక్ నాలా భీ దేఖే హై వో రైల్వే స్టేషన్ కా నాలా ఔర్ ఉస్కా ఆగే భీ గంగానగర్ కా నాలా ఔర్ చాంద్రాగఢ్ కా నాలా దేఖే హై నాలా కా శురూ నాలా కా డిసిమింగ్ కా కామ్ हो गए हैं, एक हफ्ते में हो जाएगा। बारिश इस बार नुकसान नहीं हो गए इस जगह में, और सिटी में भी अच्छा काम चल रहा है, और SRDP काम भी देख चुके हैं, बहादुरपुरा का वो ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, अब बहादुरपुरा फ्लाईओवर 36 प्रॉपर्टीज जा रहा है, उसको भी कल चेक देंगे हम, काम भी शुरू हो जाएगा। और एक दो तीन कामा है ऐसे वाले, वो आरामगढ़ का एक ब्रिज बाकी है, उसको गवर्नमेंट के भेजे हैं, थोड़ा टेंडर को बदलना है उसको। అన్ని SRDP పనులు కూడాను తప్పనిసరిగా వచ్చే 1 ఇయర్లో కంప్లీట్ చేస్తాము, తర్వాత MP అసదుద్దీన్ సాబ్ మేరే బార్ బార్ బాత్ కతే కామ్ జాడా కర్ ఇసిలే మే హమారా లోగంతో బోల్ రా కి 15 డేస్ కి ఎక్ బార్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కో రివ్యూ కర్నా హై జోనల్ కమిషనర్ నే, ఔర్ హఫ్తే మే బార్ బార్ ఏక్ హఫ్తే మే ఏక్ బార్ ఆకే దేఖనా హై క్యోంకి లోగ్ కో నుక్సాన్ నహీ హోనా హై, ట్రాఫిక్ కో భీ థోడా ముష్కిల్ హో జాయేంగా, లేకిన్ యే కామ్ హోనే కే బాద్ బహుత్ సుకూన్ మిలేగా లోగ్ కో, థాంక్ యూ సర్ ఆప్ కో पार्लियामेंट नुमाइंदगी के लिए, और वैसे बारिश का सीजन शुरू हो गया है, यहाँ पे डिसेंटिंग का काम चल रहा है, लेकिन ये नाला जो गंगानगर से होते हैं देवीपुरा मेन रोड से भरतनगर जा रहा है, इसकी डिसेंटिंग के लिए वो जमाने से टेंडर रिकॉल करते जा रहे थे, इससे उसका पूरा रिस्पॉन्स आया, 1.98 करोड़ का जो एस्टिमेट है, और उसका काम का इफ्तिताह आज हुआ, यहाँ पे वो सहूलत होंगी गंगानगर उसके आगे के बस्तियों को, जवीपा माता खिड़की की रोड पर जो पानी घरों में भर जाता नाले से और फुल हो गए वो शिकायत दूर होंगी, और ये मेन रोड पे जो डिसिल्टिंग का काम है, ये मेन रोड पे आज तकरीबन 40-45 साल से कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई, अब इस वक्त इसकी ज़रूरत है, इसलिए उसके काम का लिए आगाज़ करें, कमिश्नर साहब जाती तौर पर कुछ दिलचस्पी लेके इस टेंडर को कराए हैं, आज के काम का आगाज हो रहा है, 3 महीने काम का पीरियड है मुद्दत है, लेकिन कोशिश ये है कमिश्नर साहब अभी गुप्ता साहब को मिलकर जल्द से जल्द काम करो, पब्लिक को तकलीफ दिए बगैर, और ट्रैफिक का भी जो यहाँ पे माफूल इंतजाम करो, किसी किस्म की ट्रैफिक में रुकावट ना होनी पाए। इसी तरीके से याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास भी एक वाटर लाइन के ताल्लुक से वहाँ पे रोड बाइंडिंग मकाना निकाल के करना है, कमिश्नर साहब को नॉलेज मिला है, सबको पैसे दे दिए, खाली निकालना है, वहाँ का काम भी हो जाएगा, और डिसेंटिंग का काम वहाँ भी चल रहा है, SRT कॉलोनी और जीत के रेडियो में रहमत नगर में भी डिसेंटिंग का काम चल रहा है, मंजूरी दी है कमिश्नर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, गुजारिश ये कि ये काम की तकमील जल्दी हो जाए, यहाँ के पुराने शहर के याकूबपुर के लोगों को सुकून मिलेगा, इस मौके पर हमारे MLC रियाज उल हसन साहब कॉर्पोरेटर हमारे साथ है, मैं कमिश्नर साहब का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया।